बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद बक्सर में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। यूपी से शराब पीकर आ रहे लोगों को दबोचा जा रहा है। इसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बक्सर की सीमा पर लगा है पहरा। वीर कुंवर सिंह सेतु पर आती जाती गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। कारें, बाइक, जीप रोकी जा रही है और तब शुरू होता है शराबियों को पकड़ने का अभियान। ये देखिए, बाइक वाले को रोका और तुरंत पहचान हो गई। आप सोचेंगे शराब पकड़ने के उपकरण का है, पर बक्सर की जरूरत ही नहीं है। बस एक मिनट छुआ और शराबी पकड़ा गया। वो देखिए, इसी तरकीब का इस्तेमाल करके दो और पकड़े गए। मामला जब सीएम की बदनामी का हो तो बिहार पुलिस कुछ परवाह नहीं करती। कोरोना काल में बिना मास्क के कोरोना का खतरा उठाकर भी सूंघ सूंघ कर शराबियों को पकड़ा जा रहा है। आखिर सवाल शराबबंदी पर जो उठे हैं, ये देखिए, चेकिंग में ज्ञान भी दिया जा रहा है। भूल जाइए, उधर से आते हैं और बिहार में चेकिंग करते हैं। आप चेक कीजिए। सिर्फ बातें नहीं कर रही पुलिस, पूरी रात चेकिंग जारी रही। लोगों की नाक सूंघ सूंघ कर ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया। पूरी रात एक्शन चला तो थाने में शराबी भर गए। दरअसल शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद नीतीश सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। इसी के बाद बक्सर के एसपी नीरज कुमार के आदेश पर पुलिस और आबकारी विभाग ने अभियान चला डाला। 3 घंटे में सैकड़ों शराबी पकड़े गए। ये शराबबंदी के बाद की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश जाकर शराब पीते हैं और कुछ घंटे की ड्राइव कर घर लौट आते हैं। बक्सर पुलिस का दावा है कि अभियान अब लगातार जारी रहेगा। ABP News, आपको रखे आगे।